तो फाइनली यहाँ पर रियलमी यू आई 3.0 एंड्रॉयड 12 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो इंडिया में रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के बाद डिवाइस में काफ़ी सारे न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। तो आज हम इस अपडेट के बाद डिवाइस में जो भी न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर रियलमी यू आई 2.0 से 3.0 में कंपेरिजन करिए तो काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। जो फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद इस डिवाइस में आपको मिलते हैं वही सेम फीचर्स बाकी डिवाइसेज में भी आपको मिलेंगे जब ये अपडेट उन डिवाइसेज में रोल आउट किया जाएगा। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सो हे गाइज वेलकम बैक। आज हम रियलमी यू आई 3.0 एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि रियलमी यू आई 3.0 के बाकी डिवाइसेज की भी ऐसी डिटेल वीडियोज आपको मिलती रहे। तो अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले रियलमी यू आई 3.0 के जो होम स्क्रीन की जो मेन सेटिंग्स है किसमें चेंजेस किए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो कंट्रोल सेंटर है उसका लेआउट चेंज मिलेगा। बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको मिलेगा बट थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड जो कलर है वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा एंड यहाँ पर जितने भी टॉगल्स है वो आपको मिल जाते हैं। इसकी शेप अगर आपको चेंज करनी है उस सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन रिमूव करना है यहाँ से वो रिमूव नहीं हो रहा है तो ऐसे में सिंपली आपको उस नोटिफिकेशन पर होल्ड करके रखना है। काफ़ी सिंपल सेटिंग है। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन पे टैप करेंगे तो अभी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे रिसेंट ऐप्स के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बेसिकली जो फ्लोटिंग विंडो 2.0 आपको मिलता है वो सारी एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं है लेकिन मैक्सिमम में आपको मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो अगर आप इस पर टैप करेंगे तो इसका जो साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। अगर आप राइट या लेफ्ट कॉर्नर से इसका साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल विंडो का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड साथ में दूसरी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले दोस्तों रियलमी यू आई 2.0 के अंदर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन था बट वहां पर या तो लार्ज साइज में था या फिर बिल्कुल स्मॉल साइज में। बट अभी जितना साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं एंड ऐसे फुल स्क्रीन पर भी ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट स्लाइड बार 2.0 मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्मार्ट स्लाइड बार है थोड़ा ब्रॉड आपको मिल जाता है। अगर आप स्लाइड अप करेंगे तभी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा वरना आपको एडिट का ऑप्शन शो नहीं होगा। एडिट पे टैप करेंगे वही सिमिलर सेटिंग है टूल्स एंड ऐप्स का। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हैं सिंपली ऐड पे टैप कर सकते हैं एंड ये भी फ्लेक्सिबल विंडो फ्लोटिंग विंडो 2.0 में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कॉर्नर से इसका साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप 2 फिंगर से टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर अगर आप इस पर टैप करते हैं। तो यहीं से भी आप विजिट्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी विजिट्स ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वॉलपेपर का ऑप्शन आपको मिलता है तो भी आप देख सकते हैं काफी सारे स्टैटिक वॉलपेपर आपको मिलते हैं। इसके अंदर एक हिडन फीचर है वो आपको सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। ये सारे पुराने हैं बट जो स्टैटिक वॉलपेपर है ये आपको न्यू मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फोल्डर आप कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है। आइकन्स पे अगर हम जाए तो इसका जो लेआउट है चेंज आपको मिलेगा फुल स्क्रीन पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको मिलता है। एंड यहाँ पर अब की बार जो आइकन्स के जो एनिमेशन है थोड़े 3D टाइप आइकन्स आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको ऑलरेडी पता है इसके जो शेप है सर्कुलर अगर आपको चाहिए कस्टम करनी है स्क्वेयर बॉक्स के साथ राउंडेड कॉर्नर्स के साथ इसका जो साइज है एडजस्ट करना है तो ये सब अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नेम अगर आपको शो करना है तो इसे आप अनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ करना है तो इसे आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के नेम को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेआउट है वो आपको चेंज मिलेगा। जितने भी ऑप्शन है इसके आगे जो आइकन्स है काफी कलरफुल आइकन्स आपको मिलेंगे। एंड रियलमी यू आई 2.0 के कंपेरिजन में कुछ ऑप्शन का जो नेम है वो भी चेंज किया गया। जैसे पहले कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन था उसको यहाँ पर चेंज करके स्पेशल फीचर्स में चेंज किया गया है। जैसे अबाउट फोन था तो अभी आप देख सकते हैं इसका नेम चेंज किया गया अबाउट डिवाइस के अंदर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट का जो ऑप्शन है वो अबाउट डिवाइस के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो सेटिंग्स में पहले बार थे बट अभी 3.0 के अपडेट में अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इस अपडेट में आपको रियलमी यू आई 3.0 के साथ एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल जाता है। तो इस पर अगर आप टैप करेंगे तो ये एंड्रॉयड 12 का लोगो आपको मिलता है। तो इसके अंदर अगर आप 12 यहाँ पर क्लॉक टाइम सेट कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 की बैकग्राउंड वॉलपेपर के अकॉर्डिंग उसके कलर के अकॉर्डिंग एनिमेशन आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसा आपको एंड्रॉयड 12 का लोगो एंड एनिमेशन मिल जाता है वो सिंपली आपको 12 सेट करना क्लॉक में तभी आपको शो करेगा। नेक्स्ट अगर आप टैप करेंगे स्टोरेज के ऑप्शन पे तो इसका लेआउट आप देख सकते हैं काफी चेंज आपको मिलेगा। इसमें भी कलरफुल डिजाइन आपको मिल जाता है। इमेजेस का वीडियोस का एप्लीकेशन का कितना साइज है कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है।
नेक्स्ट अगर आप जाएंगे फ़ोन मैनेजर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेआउट है बेसिकली चेंज आपको मिलेगा। सबसे पहले जो एनिमेशन है वो आपको चेंज मिलेगी। यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, थोड़ा स्कैन करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वायरस स्कैन का भी डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्कैन मैनुअली, अगर आप मैनुअली स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लीन अप स्टोरेज का ऑप्शन है। अगर आप क्लीन करना चाहते हैं फोटोज़, वीडियोज़, ऐप्स को, अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है तो ऐसे में यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उनको सिंपली आप सिलेक्ट कीजिए एंड यहीं से क्लियर कर सकते हैं। उनको आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे एंड यहीं पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सिंपली सिलेक्ट कीजिए एंड उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। इससे आपका फोन का जो स्टोरेज है डायरेक्टली यहीं से आप क्लीन कर सकते हैं जो ऑडियोज है, डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन है जो कि सेटिंग में भी आपको मिलता है। यहाँ से उसे अनइंस्टॉल करना है, फोर स्टॉप करना है, इसकी परमिशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं। कैमरा की परमिशन है, जैसे लोकेशन है, माइक्रोफोन, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन भी ऐड किया गया, कितने आपके फोन में बैटरी बची है जो डिटेल्स है। सुपर पावर सेविंग मोड का ऑप्शन पहले भी आपको मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। बट इसका जो लेआउट है ग्रीन लेआउट में काफी बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर जो एनिमेशन है ग्राफिकल एनिमेशन आपको मिल जाती है जो प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे आपको फोन मैनेजर के राइट साइड में टूल्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐप सिक्योरिटी है, डिवाइस एंड डाटा सिक्योरिटी, स्पेशल फीचर्स, प्राइवेसी, काफी सारे ऑप्शन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइवेसी में ऐप लॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एप्लीकेशन का ऐप लॉक आप क्रिएट कर सकते हैं एंड जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड किया, जैसे व्हाट्सएप अगर आपने हाइड किया है तो सिंपली जो पासवर्ड आपने सेट किया था उसको यहाँ पर फिल करना है, यहीं से आप एक्सेस कर पाएंगे। होम स्क्रीन से वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी। प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन आपको मिलता है, सिंपली जो पासवर्ड है, अगर आप फेस अनलॉक भी यूज करना चाहते हैं इसके लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमेजेस है, वीडियोज है, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स एंड जो दूसरी फाइल्स है वो यहाँ पर डायरेक्टली आप प्राइवेट स्पेस में हाइड कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ऐप सिक्योरिटी के अंदर डाटा यूसेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मंथली कितना डाटा यूज किया है सिम वन के अंदर, सिम टू में, कौन से एप्लीकेशन ने कितना डाटा यूज किया है, व्यू मोर पे टैप करके सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको लास्ट में मैनेज डाटा यूसेज, तो यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं, डेली लिमिट कितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली डाटा यूसेज लिमिट। इसको अगर आप टैप करते हैं, जैसे कि 2 GB में सेट करता हूँ, MB एंड GB दोनों आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जितना डाटा आपने यूज किया है, जो लिमिट आपने सेट की है, जैसे वो कंप्लीट हो जाती है आपको नोटिफिकेशन मिले, अलर्ट मिले एंड अलर्ट के साथ अगर आप चाहते हैं जो आपका मोबाइल इंटरनेट है वो ऑफ हो जाए, तो इसको आप सेट करके सिंपली ओके पे आपको टैप करना है। जब आपका डाटा पूरा हो जाए तो वार्निंग आपको मिले, तो इसे भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शन पहले सेटिंग्स में लास्ट में हीट ऐप क्लाउड का ऑप्शन था, तो वो अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आपको मिलता है। अभी फोन मैनेजर के अंदर टूल्स के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है, लोकल बैकअप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जो परमिशन है सिंपली आपको अलो करनी है एंड यहाँ पर जो अपने कॉन्टैक्ट्स है, फोटोज है, वो आप यहाँ पर बैकअप कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप इस पे टैप करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो भी आपके फोन में फीचर्स है, सेंसर है, अगर आप चाहते हैं वो प्रॉपरली वर्क करें या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप रन डायग्नोस्टिक्स पे टैप करके सिंपली उनको अगर आप चाहते हैं टेस्ट करना तो सिंपली उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप कोई भी गेम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेम स्पेस 2.0 वो आपको मिल जाता है। कॉर्नर से अगर आप स्लाइड करेंगे तो पहले गेम स्पेस के अंदर इतने ऑप्शन नहीं थे, बट अभी आप देख सकते हैं स्क्वायर बॉक्स में आपको मिल जाता है। व्हाट्सएप कंट्रोल करना है स्मॉल स्क्रीन पर तो वो आप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड पर अगर आप टैप करेंगे तो परफॉर्मेंस मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 2.0 में भी अवेलेबल थे। यहाँ पर गेम स्पेस में आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप गेम करते हुए वॉइस चेंज करना चाहते हैं किड की, एलियन, तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको हाई, डीप, जैसे आपको वॉइस सेट करनी है वैसे आप यहाँ पर मेल, फीमेल की। तो यहाँ पर गेमिंग करते हुए काफी हेल्पफुल फीचर है, तो वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्मॉल स्क्रीन पर फ्लोटिंग विंडो में दूसरी एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से क्लोज अप कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन है। एडिट पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, जो आपको ऐड करनी है सिंपली ऐड पे टैप कीजिए, डन पे टैप करना है। जैसे ये एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो इसका भी साइज यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्मॉल, लार्ज करना है, यहाँ से क्लोज करने का ऑप्शन है। तो बेसिकली गेम स्पेस के अंदर काफी बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में तो यहाँ पर काफी सारे न्यू ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पर्सनलाइजेशन पे अगर आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शन पहले भी था, बट इसका अभी जो लेआउट है वो आपको चेंज मिलेगा। सबसे पहले आइकन्स के बारे में बात करते हैं, तो आइकन का साइज अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर बॉक्स में राउंडेड कॉर्नर के साथ, तो इसका अपने अकॉर्डिंगली जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी पहले भी ऑप्शन था। फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज यहाँ से एडजस्ट करने
का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका भी जो लेआउट है ये पिक्चर आपको मिल जाती है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे अगर आप टैप करेंगे तो 8 एनिमेशन आपको मिल जाती है, जो भी आपको सेट करनी है डिफरेंट आप सेट कर सकते हैं। एज लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पहले रियलमी यूआई 2.0 में जो एज लाइटिंग थी वो थोड़ी बेटर थी, बट ये थोड़ी मी यूआई से इंस्पायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में आपको मिलती है, अभी आपको 3 कलर्स में मिल जाती है, ब्लू अगर आप सेट करना चाहते हैं रेड में, या फिर ऑरेंज क्रीम कलर टाइप भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी एनिमेशन आपको मिलेगी, कोई भी नोटिफिकेशन आता है लॉक स्क्रीन पर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी आपने कस्टमाइज किए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आपको मिलेंगे। कैसे कस्टमाइज करना है वीडियो में आगे बात करेंगे, उससे पहले डिजिटल क्लॉक पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल क्लॉक अगर आपको पसंद है तो कुछ और यहाँ पर आगे 3-4 क्लॉक ऐड की गई है, बाकी पुरानी आपको मिलती है। एंड इसमें अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से ये कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर एनालॉग क्लॉक भी आपको मिल जाती है, तो इसमें भी 3-4 न्यू एनालॉग क्लॉक को ऐड किया गया, कलर चेंज करने का ऑप्शन है। एंड साथ में आपको रियल मियाओ का भी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके अंदर 4 आपको डिफरेंट वॉच फेसेस मिलते हैं डिफरेंट कलर के अंदर, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। एंड इमेजेस का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर आप ये लाइव इमेजेस लाइव AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट करना चाहते हैं एनिमेशन के साथ जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे आप खुद का कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टम पैटर्न पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर खुद का आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टैप करके क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट कलर ऑप्शन को सिंपली आपको चूज करना है, जैसे अभी आपको ब्लू का चाहिए तो सिंपली इस पे टैप करेंगे। जैसे भी शेप आप डिजाइन करेंगे यहाँ पर शेप की ऑप्शन आपको मिलते हैं, वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, बैक जाने का ऑप्शन है, इस पे टिक करके आप इसे लॉक स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वही आप लॉक स्क्रीन पर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एंड इमेज का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको गैलरी ऐप से कोई भी फोटो सिलेक्ट करनी है, एंड साथ में इसके राउंडेड कॉर्नर अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है इसके अंदर तो वो भी टेक्स्ट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ। एंड यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट क्रिएट करना चाहते हैं इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर फोटोज का, तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पोर्ट्रेट क्रिएट करना चाहते हैं जैसे ये फोटो है, सिंपली जर्नेट पे टैप करेंगे गैलरी एप्लीकेशन से फोटो सिलेक्ट करके, अभी सिंपली ऑटोमेटिकली फोटो को डिटेक्ट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इसका जो बैकग्राउंड है ब्लर आपको मिलेगा, मेन फोटो के जो साइड का बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली ब्लर कर देता है, लेकिन फोटो अगर थोड़ी दूर से कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है ये थोड़ा रॉन्ग कैप्चर कर लेता है, लेकिन थोड़ी क्लोज इमेज होगी, बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर होगा एक दो कलर का, तो वहाँ पर काफी परफेक्ट पोर्ट्रेट ये डिटेक्ट करेगा। क्विक सेटिंग पे अगर आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शन पहले भी था जो नोटिफिकेशन पैनल के टॉगल्स है, मोबाइल डाटा, वाईफाई, तो इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, बट इसका जो लेआउट है जो बैकग्राउंड है अभी वो चेंज आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप टैप करेंगे वॉलपेपर के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक वॉलपेपर ये सारे ऐड किए गए। एग्जांपल के लिए कोई भी न्यू वॉलपेपर मैं सेट कर लेता हूँ जो कि रियलमी का खुद का आपको मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो रियलमी का खुद का आपको मिलता है सिंपली वो आपको सेट करना है। अभी आपको सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन के अंदर कलर्स पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर कलर पिकिंग पे जैसे आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कलर है वो पिक कर लेगा। अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल आपको ब्लू कलर का मिलता है, ये वॉलपेपर हमने सेट किया है तो जो कलर है वो भी इसी वॉलपेपर का सेट हो चुका है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटिंग्स के जो ये आइकन से टॉगल से इसका भी कलर है, कैलकुलेटर का भी, एंड साथ में क्लॉक का आइकन भी आप देख सकते हैं इसका भी जो कलर है वो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही जैसे ब्लू कलर का अगर आप सेट करते हैं तो सिंपली आपको कलर्स के अंदर वॉलपेपर कलर पिकिंग का ऑप्शन मिलता है, ओके पे अगर आप टैप करेंगे तो भी यही कलर यहाँ पर पिक हो चुका है। एंड अगर आप डिफॉल्ट पे टैप करेंगे तो डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी सेटिंग्स आप देख सकते हैं काफी कलरफुल है फोन के जितने भी ऑप्शन है, तो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग अगर आप कलर को सेट करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। जैसे अभी स्काई ब्लू कलर चाहिए, अगर आपको डार्क चाहिए कस्टम का ऑप्शन आपको मिलता है तो मैन्युअली भी आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो लेआउट है चेंज आपको मिलेगा, सर्कुलर आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पर कलर पिकिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है, वैसे डिफॉल्ट पे काफी सही है। बट अगर आपको ये 3D लाइव इलेक्ट्रिक वॉलपेपर चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये पर्सनली सेंड कर दूंगा। सिंपली अप्लाई पे टैप करेंगे, इसे आप होम स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कूल एनिमेशन के साथ लाइव वॉलपेपर ये आपको मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको और भी काफी सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिक वॉलपेपर मिल जाते हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिंपली टैप करना एंड अप्लाई आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सेटिंग्स में देखेंगे तो नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, तो रियलमी यूआई 2.0 के कंपेरिजन में 3.0 में प्राइवेसी में काफी इंप्रूवमेंट्स की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन आपके डिवाइस का बैकग्राउंड में कैमरा एक्सेस
करेगी, माइक्रोफोन आपका एक्सेस करेगी। तो अगर आप चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करना। अभी एग्जाम्पल के लिए जैसे कैमरा ऐप मैंने ओपन किया तो भी आप कॉर्नर पर देख सकते हैं राइट साइड में ग्रीन डॉट मिल जाता है, तो इसी का ये आइकन आपको मिलता है, तो भी आपका जो कैमरा है वो एक्सेस में है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको कैमरा का आइकन मिलता है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो ये आपको शो करेगा आपके फोन का कैमरा या फिर माइक्रोफोन बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस किया। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर जो ऐप परमिशन है अगर आपने अलो की है तो उसे आप नॉट अलाउड भी कर सकते हैं, सिंपली इस पर जाकर डोंट अलो पे टैप करना है। तो ऐसे में कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका बैकग्राउंड में कैमरा माइक्रोफोन कुछ भी एक्सेस करता है तो यहाँ पर सिंपली ऊपर कॉर्नर पर आपको आइकन शो करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए कैमरा एप्लीकेशन ने एक्सेस किया है, तो यहाँ पर अगर और कोई एप्लीकेशन एक्सेस करेगा तो उसका नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड यहीं से आप परमिशंस को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे कैमरा एप्लीकेशन में तो अपडेट के बाद ऐसा कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, बट इसका जो लेआउट है थोड़ा चेंज आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1x का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके लेफ्ट साइड में 3 trees का स्टिकर है एंड यहाँ पर राइट साइड में सिंगल ट्री है, तो 3 tree के स्टिकर पे अगर आप टैप करते हैं तो ये वाइड एंगल लेंस का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके राइट साइड में 1x पे आप देख सकते हैं 2 tree का अभी स्टिकर आपको मिलता है एंड यहाँ पर 2x पे सिंगल ट्री है। तो अपडेट से पहले थोड़ा डिफरेंट था, बट रियलमी UI 3.0 के अपडेट के बाद यहाँ पर ट्री का न्यू स्टिकर एड किया गया एंड स्लाइड अप एनिमेशन ऑलरेडी आपको मिलते हैं जैसे iPhones में अवेलेबल है। एंड ऊपर अगर हम चेक करें तो इसका भी लेआउट थोड़ा चेंज आपको मिलेगा, 3 dot का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से फ्रेम रेट आप सेट कर सकते हैं एंड ये आपको वीडियो की सारी सेटिंग्स मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये फोटोज का ऑप्शन है, इसमें भी सिमिलर आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सर्कुलर जूम का ऑप्शन है एंड यहाँ पर भी आपको 3 dot का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर टाइमर एंड जो फोटोज की सेटिंग्स है वो आपको मिल जाती है। बाकी सारे पुराने ऑप्शन है, बस थोड़ा बहुत लेआउट में चेंजेस किए गए हैं। मोर के राइट साइड में आप देख सकते हैं ये आइकन आपको मिलता है, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलता है एडिट का, तो इस पर टैप करने के बाद जितने भी आइकन है इनकी पोजिशन को आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली आपको होल्ड रखना है। जैसे ये ऑप्शन है तो इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिंपली टच करके आपको ड्रैग करना है एंड जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में तो नीचे आपको स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिलता है जो कि Realme UI 2.0 में कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन था, तो इसका नेम अभी चेंज किया गया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पहले इसके अंदर 7-8 ऑप्शन थे, बट अभी आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी नीचे आपको मिलते हैं जो गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा गेस्चर्स है उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। इनके जो सेटिंग्स है रेस टू वे का ऑप्शन है तो उन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल विंडोज का ऑप्शन है, तो फ्लेक्सिबल विंडोज के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसका जो विंडो का साइज है उसे आप फ्लेक्सिबल आपको मिलता है, इसे आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है, क्विक लॉन्च का फीचर है, सेटिंग्स को एक्सेस करना चाहते हैं सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 ऑलरेडी मैंने कर दी है। एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर टैप करेंगे जो एप्लीकेशन का शॉर्टकट आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन आपको ऐड करना है सिंपली इस पर टैप करना है, अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो माइनस का ऑप्शन आपको मिलता है, ऐड करना है सिंपली टैप कीजिए, टिक पे आपको टैप करना है। नेक्स्ट आपको जो फोन है लॉक करना है, अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अगर आप यहाँ पर इसे अनलॉक करेंगे तो जो आपकी फिंगर है या फिर थंब है वो आपको मूव नहीं करना है एंड यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो आपको मिल जाता है, जिस भी एप्लीकेशन पर आप लेकर जाएंगे वही आपकी यहाँ पर शॉर्टकट में ओपन हो जाएगी, तो काफी बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। सिंपल मोड का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप इसे अनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी होम स्क्रीन पर आइकन है थोड़े बड़े आपको मिलेंगे एंड यहाँ पर जितने भी मेन ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे। सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं मेन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को या फिर चाइल्ड को फोन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे में सिंपल मोड को अनेबल कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स है थोड़ी बड़ी आपको मिलेगी। एग्जिट यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमोस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसका जो लेआउट है कलरफुल बॉक्सेस में आपको मिलता है, तो जो आपको सेट करना है उसे आप सेट कर सकते हैं। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर वही सेम पुरानी सेटिंग्स है। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे एप्स पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो बेसिकली डूल ऐप का सपोर्ट है, पहले व्हाट्सएप एंड 2-4 और एप्लीकेशन का सपोर्ट था, तो भी आप देख सकते हैं मोस्टली एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको मिल जाता है जो कि आपने डाउनलोड की है। एंड यहाँ पर अपडेट के बाद आप देख सकते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन का भी लेआउट चेंज आपको मिलेगा, अभी 3 dot से आप यहाँ पर जो सेटिंग्स है जैसे साइंटिफिक पे अगर आप टैप करते हैं तो साइन कोस टेन लोग, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं रूट तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। एंड इसमें बेसिक पे अगर आप टैप करेंगे तो बेसिक कैलकुलेटर आपको मिलेगा एंड यहाँ पर 4 बॉक्सेस आपको मिलते हैं। अगर आप इस पे टैप करेंगे तो अभी करेंसी का, वैसे मोस्टली सभी करेंसीज का सपोर्ट आपको मिलता है, तो इस पे टैप करके जो भी करेंसी आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ एरिया स्पीड डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं एंड इसके अंदर भी लगभग सभी का सपोर्ट आपको मिल जाता है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एंड अपडेट
अपडेट के बाद आप देख सकते हैं जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन है, वो तो चेंज आपको मिली है। एंड यहाँ पर साथ में माई फाइल्स जो फाइल मैनेजर, वो भी चेंज आपको मिलेगी। काफ़ी कलरफुल जो आइकन्स है, काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन आपको मिल जाता है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ में कितना स्पेस आपके फ़ोन में फ्री है, ये भी कलरफुल बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। एंड अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिसेंट इमेजेस हैं, जो भी आपका डाटा वो आपको शो करेगा। एंड अपडेट के बाद जो वेदर एप्लीकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, इसका भी लेआउट यहाँ पर चेंज आपको मिलेगा। जो लाइव एनिमेशन है, जैसा भी वेदर होगा तो वैसे आपको एनिमेशन मिलेगी, जैसे दिन में क्लाउड्स की एनिमेशन आपको मिलेगी, अगर स्नोफॉल है तो स्नोफॉल की एनिमेशन आपको मिलेगी, रेनी में रेन की एनिमेशन आपको मिलेगी। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं और भी काफी सारी वेदर की डिटेल्स आपको मिल जाती है। एंड अगले 15 दिन का जो वेदर फोरकास्ट डिटेल्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप गैलरी ऐप को ओपन करेंगे तो जो भी आपका इमेज है, अगर आप एडिट पे टैप करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है, कलर टेम्परेचर, काफी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, शार्पनेस। तो ये ऑप्शन पहले भी थे बट यहाँ पर अभी एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिनल है, मार्स पे अगर आप टैप करेंगे थोड़ा रेड आपको मिलेगा, इस पे अगर आप टैप करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर रेड ऑरेंज टाइप इमेज आपको मिलेगा। तो ये न्यू ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी ब्लर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी इसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट के राइट साइड में, तो यहाँ पर अगर आप पिक्सल के थ्रू ब्लर करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। स्मजेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं, डॉट ब्लर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, डॉट ब्लर ऑप्शन है। एंड नॉर्मल ब्लर अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। नोट्स पे अगर आप टैप करेंगे तो नोट्स एप्लीकेशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो बैकग्राउंड है अगर आप इस पर टैप करते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड थीम है अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, काफी सारी आपको मिल जाती है। इसके अंदर भी कलर चेंज करने का ऑप्शन है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारे नोट्स की बैकग्राउंड थीम आपको मिल जाती है। इसके अंदर अगर आप नोट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, प्लस का ऑप्शन है। तो इस पे टैप करके आप यहाँ पर फोटो ऐड करना चाहते हैं, ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग ऐड करनी है, चेक बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको Realme UI 3.0 Android 12 के अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताइए आपको Realme UI 3.0 का सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा। एंड जो बाकी डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।